गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बांध का आतंक छाया हुआ। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बसादी नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। और 20 लीटर पानी डालते मार्च और अप्रैल में, नीचे से आग जलाते। जब वो पानी गर्म होता है उस गर्म पानी के भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते है, जो आँखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। तो काउंटर पे सभी मेहमानों को म्यूजियम सब आ गए। बहुत अच्छा म्यूजियम था, काफी अच्छे से समझाया, गाइड किया हमने। और अभी हम बाहर आ गए। बाहर भी ये देखो, गांव का कल्चर दिखाया गया है कि कैसे गांव में पहले लोग होते थे और कैसे होता था। ये देखिए भाई, रियल लगेगा आपको। देखिए गाइस, और आगे भी है काफी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं आगे, है राजस्थानी गबरी कलाकार, मैं आपको दिखाती हूँ अभी गाइस। गोलू और सोनू को घूम भी आए शायद, है घूमा ये दोनों। ये बन रहा है, कभी और बन रहा है क्या? जब हमारे जो ये म्यूजियम कहाँ थे, छोटे छोटे नहीं थे ना? ये भी था। ये भी ये बना रहे हैं अब। यस, कौन सा तकली है वो? है क्या नाम है वो, क्या नाम कहते हैं? अरे नहीं नहीं, ताड़ी ताड़ी जाता है, ताड़ ताड़ी, ताड़ अलग होता है, ताड़ अलग होता है, ताड़ी अलग है। पंचोड़ी चक्की, पावड़ी, 10 फीट गहराई से पानी निकालने का यंत्र है गाइस ये। ये बहुत सारी गौशाला है, इधर आओ ना, इधर खा रहे मार देगा, बैल सींग मार देगा, हट जा सींग मार देगा, पकड़ ले, नाक में उंगली दे, ऐसा नहीं, यहाँ पर यहाँ खड़ा पकड़ गई हूँ।
क्या हुआ? टूट गया साला। पूरी दिन पानी पी पाए तो तीन चार दे दे भाई। श्री जी मटका कुल्फी, मटका मटका कुल्फी। ये मटका कुल्फी कितने की भैया? टेस्ट करके बताओ कैसी है। आज उदयपुर में मामा के ऊपर बर्फ गिर गई। 10 रुपए का स्वाद है नहीं है? 10 वाली है। हाँ। चलो खा ले भैया, चल दे भैया। पास हो गया भैया। नींबू भी गिर गया नहीं। हमने कुल्फी लिया, गोलू मना कर रहा था फिर भी खा ली। गोलू कभी मतलब नाम ले लेते हर कोई है। गोलू गोलू बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है, वो सीधा सा लड़का है। जिंदगी पर बात हो गया, ये मेरा काम हो गया। उसको पता भी नहीं है। बाद में तो मजा आएगा, अभी तो कम है। बाद में तो और मजा आएगा, फिर सब कुछ है। फिर ऐसे पर्स ले घूमेगा। मना भी नहीं कर पाएगा। कुल्फी अच्छी है गाइस, मस्त है। तो गाइस यहाँ पे कैमल राइडिंग होती है, बट हमें डर लगता है इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। हेलो, करें 16,000 बंदे मरे थे यहाँ पर। चलो बेटा तालाब देखना है। सोनू कह रहा मैं तालाब देखने नहीं जाऊंगा। हाँ ये तालाब, ये पूरा खाली है, दिखा रहा पानी नहीं है। ये खड़ा तो तालाब है, ये अच्छा यहाँ तक आया था। ये तालाब है, आधा कहीं घुस जाए अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं द्वारकाधीश मंदिर, और काफी दूर पड़ेगा ये। एक डेढ़ घंटा हम सो भी लिए हम क्या कहाँ आ गए। मंदिर जाने की तरफ बहुत दूर है। तो गाइस अभी तो मंदिर बंद है और मंदिर खुलने का टाइम है 4:30 बजे, और बस वेटिंग में है हम सारे जने। मंदिर में मंदिर खुलते ही दर्शन करेंगे द्वारकाधीश जी के, और काफी सारे जने बैठ के हमें भजन कीर्तन कर रहे हैं पब्लिक। गाइस जा रहे हम झील, हमें पता ही नहीं था, और हम आधा घंटे से ऐसे ही बैठे थे और देखा तो रास्ता तो बराबर में से निकल रहा है। इससे तो मंदिर खुलता है इतना तो हम झील में देखाते, और यहाँ दिखाते हैं अगर नज़ारा, मस्त नज़ारा है गाइस। नज़ारा कबूतर कितने बैठे यहाँ पे, वो बोटिंग यार। मधुमक्खी है, मधुमक्खी भयंकर वाली, छत्ते ही छत्ते हैं। वो भी है तो क्या करना मधुमक्खी का, तेरे ऊपर ही गिरेगा। तो गाइस मंदिर खुल गया है और पहले हम दर्शन कर लेते हैं। जो इतनी देर से बैठे हम दर्शन के लिए, पहले हम दर्शन ही कर लेते हैं। तो गाइस मंदिर से आ गए हैं क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं था फोन, हमने फोन तो लेके नहीं गए, बाहर आए प्रसाद लेके। और अब देखते हैं बाहर कुछ खाते पीते, बहुत भूख लगी। कुछ खाए भी नहीं, नाश्ता ही किया या बस ये आइसक्रीम वगैरह खाई थी और कुछ नहीं खाया हुआ है। घर का लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं बाहर क्या खाते हैं। हवा दे अंगीठी में है ना भाई। पुदीने वाली नहीं बनाते आप चाय? अच्छा कहाँ पुदीना।
तो गाइस हमारी चाय हो गई है पुदीना और अदरक वाली, और ये है मट्टी और अचार मस्त। गाइस हमारा चलता फिरता ढाबा शुरू हो चुका है, हमारा ढाबा में चार्ज चलता है। तो गाइस दर्शन करके हम आ गए, और मंदिर बंद ही होने वाला था तभी, तो फिर अब हमें सुबह दर्शन हो गए मंदिर के। हम भाग हम भाग जो मचाइए ना, हमें सारी चीजें भाग भाग के हो रही है। बाबा ने तो बंद करवा कर आया। और अब जाएंगे हम शॉपिंग करने, लेडीज आए और शॉपिंग ना करें तो हो नहीं सकता, ऐसे ना लाए ऐसा हो ही नहीं, ऐसे हो नहीं सकता कि शॉपिंग ना करें और पूरा बाजार देख के आ जाए और चुपचाप आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम दोनों जाएंगे पैसे लेके अपने अपने एजी ओजी से, और फिर जाएंगे दोनों को शॉपिंग करने, बच्चों को यही छोड़ के, बच्चे यही रहेंगे, बच्चे अच्छा करें। तो गाइस यहाँ की मशहूर चौपाटी, जो रात को ही जो रश होता है यहाँ का, ये सारी चौपाटी है गाइस। शिवनाथ जी की फोटो है, बहुत सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं। कम से कम गाइस ये एक एक लाख की फोटो है सारी, सारी नहीं है, एक ही एक लाख की है, वो वाली एक लाख की नहीं, ये है एक लाख की, 1 लाख वो ये वाली। हाँ ये बच्चे बैठ गए हमारे, क्योंकि अभी वेडिंग है यहाँ पर खाने की। और कितनी देर है भाभी? 15 मिनट। गाइस यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे। चौपाटी बाहर है, हाँ, ये खाने पीने के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है सस्ता भी महंगा भी, सब सब तरह की वैरायटी है गाइस यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव हो। मैं थोड़ी ले गया था गया। अरे बोल दो, बच्चों बच्चों को कुछ ना बोला, बोलो बोलो, बोल क्या बोलेगा, क्या चीज क्या खाना है? दाल और रोटी खाई है ना? एक दाल रोटी है, दोनों खाएगा कड़ी खिचड़ी। खाना वगैरह हमने खा लिया, तो बहुत तेज नींद आ रही है वाली, क्योंकि थक गए हम, रात ही नहीं सोए, दिन में तो टाइम ही नहीं मिला, अभी फटफट के सोचेंगे कि सुबह में 8 बजे फिर निकलना है। ये है फलूदा, देख के बेटा ग्लास में मिल जाए। तो गाइस बजे हैं अभी, कितने बजे हैं अभी मैं तो दिखाई नहीं दे रहा बिना चश्मे के, 10:15, और खाना खा पी कर हम आ गए हैं। और गाइस अब बहुत ज़्यादा थके, क्योंकि कल रात ट्रेन में भी नहीं सोए और आज दिन में तो कल मतलब ही नहीं था, और बहुत ज़्यादा पूरे दिन ट्रैवलिंग करी हमने, पूरे दिन ट्रैवलिंग, और बहुत थक गया। कल सुबह जल्दी उठना, 5 बजे दर्शन करके हमें, हमारी 8 बजे गाड़ी आएगी लेने, हम जाएंगे कल चित्तौड़गढ़ घूमने, सांवरिया सेठ वगैरह मंदिर, और फिर रात को हम इसे ट्रेन पकड़ लेंगे। तो चलो गाइस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अरे वो रखी हुई थी ना, वो गर्म थी, अरे वो तो दिखाने के लिए रखी हुई थी, कहना है नहीं। चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग हम ना एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय गाइस। ये भी मेरा टाइम नहीं आता, इसलिए होता रहेगा शोर शराबा लेकर ब्लॉग आएगा, ये 15 14।